नमस्कार वाला विद्यार्थी मित्रों, काउंटडाउन एजुकेशन में आप सर्व विद्यार्थी मित्रों फरी एक बार हार्दिक हार्दिक स्वागत है। धोरण 11 विषय संस्कृत कुल गुण 50 प्रथम परीक्षा संपूर्ण सोल्यूशन अत्यारे आपणे करी रह्या छीए। जो मित्रों तमे चेनल में नवा होय अने चेनल ने सब्सक्राइब करवानी बाकी होय तो सौ प्रथम चेनल ने सब्सक्राइब करी बेल आइकन पर क्लिक करी दियो, जेथी करी नवा वीडियो सोल्यूशन अपलोड थाय तो तरत ज तमने नोटिफिकेशन मिली जाए कि नवा वीडियो सोल्यूशन अपलोड थी चूक्या छे। अने आ वीडियो द्वारा तमे तमारा जे पण काई डाउट्स होय एने क्लियर करी शको छो। विभाग ए अधोलिखितेभ्य विकलेभ्य समसूचित उत्तरे चिन्हित चार गुणनो आ प्रश्न छे। एक विश्व भेषज कह अस्थि, चार विकल्पों आपेला छे मित्रों, एमांथी एक विकल्प छे जे आपणे जवाब टीक करवानो छे। त्यार पछी बे भास्कर भूम्याह क्रीदुषः वसु पिबति, चार मांथी विकल्पो छे एमांथी एक आपणे जवाब योग्य रीते लखवानो छे। त्रण मानवाह इत्यस्य कह अर्थः, चार ऑप्शन मांथी एक जवाब मित्रों आपणे अहींया लखवानो छे। त्यार पछी आगळ वात करीए चार उद्यत दंडः कस्य विशेषणम अस्ति, चार मांथी एक विकल्प छे जे आपणो साचो जवाब छे अहींया आपणे लखवानो छे। त्यार पछी प्रदतेह पदेह रिक्त स्थानानि पूर्यत, पांच वेनः खाली जग्या आसीत, बे जवाब आपेला छे कૌંસમાં એમાંથી એક યોગ્ય જવાબ લખવાનો છે। क्या इंग्लिश बोलने से लगता है आपको डर? तो डरना बंद कीजिए और डाउट नट के इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के साथ आज ही जुड़ जाइए, जहां इंग्लिश के टॉप टीचर्स आपको हिंदी भाषा की मदद से इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, वो भी एकदम बेसिक से। अगर आप इंग्लिश बोलने से हिचकिचाते हैं, अपने इंटरव्यू के लिए इंग्लिश सीखना चाहते हो, अपने आप को इंग्लिश में हीरो बनाना चाहते हो, तो ये कोर्स आपके लिए है। आज ही डाउट नट ऐप पर आकर एक कोर्स खरीदे और अपने आप को खुल को इंग्लिश बोलने के सपने को पूरा कीजिए। पूरा काले हनुमंता खाली जग्या लिखतम, तो अहीं बे माथी कोई पण एक साचो ऑप्शन माथी जवाब छे जे अहीं आपणे लखवानो छे। त्यार पछी सात खाली जग्या विद्या लोकस्य उपकरोति, बे माथी एक जवाब जे छे अहीं लखवानो छे। जो मित्रों वीडियो पसंद आवतो होय तो लाइक शेर अने सब्सक्राइब करवानुं भूलता नहीं। क वर्गेण सह ख वर्ग योजत, अहीं जोड़को आपेलू छे क अने ख, जेमां डाबी बाजू समानोह मंत्रह समितिह विना वृक्षम गृहम शून्यम अने धृतिहना जवाब सामे आपेला छे, त्यांथी आपणे जोड़वाना छे अथवा लखवाना छे। त्यार पछी आगळ जईए विभाग बीनी वात करीए। अध्योलिखितस्य गद्यखंडस्य अनुवादम कुरुतः, चार गुणनो आ प्रश्न छे, एमना अथवामां पण एक प्रश्न आपेलो छे। 11 अस्याम दुखम सायाम प्रजारक्षार्थम ऋषयः प्रवृताः तेह वेनो पंडितः मारीच्यो तदंतरम ऋषयः तस्य पृथुनामकः पुत्रं राज्यासने प्रस्थापितवन्तः, पृथुः दयालुः धार्मिकः च आस्ति। एमना अथवामां बीजो प्रश्न आपेलो छे, वेदस्य वचनानि श्रुत्वा भोजनगोष्ठां गमनस्य इच्छा अर्धमात्राया तु अत्रैव समाप्ता, तथापि अहं भोजगोष्ठ्याम् अगच्छम्, तत्र वेदमहोदयस्य किन्तु शब्दः मम कण्ठनलिकायाः संलग्नः आसीत्, भोजगोष्ठाय यं यं पदार्थम् अहं पश्यामि शह शह पदार्थः गरिष्ठ एवा स्थिति प्रतिधिभरुति स्म। त्यार पछी अध्योलिखितः पद्यखंडस्य मातृभाषाय अनुवादम कुरत, चार गुणनो आ प्रश्न छे जेमां मातृभाषानी अंदर आपणे अनुवाद करवानो छे। 12 ततः प्रावर्तत प्राउट सर्वसत्व सुखप्रदा विद्योतमान परिधि विस्फूर्तितल भस्थला अष्टो मासान निपितं यद भूष्या जलमयं वसु स्वर्गोभि मोरुकुत भारते भास्करः काल आगति। अने एना अथवामां बीजो प्रश्न आपेलो छे तमने 12 नंबरनो, वक्त्रेलोत्पल
नालेन यथोर्थव जलमाददेत तथा पवन संयुक्तः पादेह पिबति पादम तेनः तजलामदम जर्यगनिनम मारुतो आहार परिणामाच्छा स्नेहो वृद्धिश्व जायति। त्यार पछी 13 नंबरनो प्रश्न छे, अधोदतः गंधखंडः पठित्वा प्रश्नान उत्तराणी संस्कृत भाषा में लिखित। चार गुणनो आ प्रश्न छे, जो आ सरस मजानो फकरो आपेलो छे तमने, एमनू तमारे संस्कृत भाषानी अंदर ज जवाब आपवाना छे। ए प्रजापतेः के त्रयः पुत्राः आसन, बी पुत्राः प्रजापति किं प्रार्थितवन्तः, सी प्रजापतिः क्वम अक्षरं प्रोक्तवान्, डी देवाः किं कुर्वन्तु। आ चारे चार प्रश्नोना जवाब तमारे ऊपरना गद्य जे आपेलो छे एनी अंदरथी व्यवस्थित रीते गोतीने लखवाना छे। जो मित्रों वीडियो पसंद आवतो होय तो लाइक शेर अने सब्सक्राइब करवानुं भूलता नहीं। त्यार पछी आगळ वात करीए विभाग सी समीक्षात्मक टिप्पणी लिखित। चार गुणनो आ प्रश्न छे, जेमां 14 वृक्षनो महिमा दर्शावानो छे अने 15 हनुमानना पात्रनी विशेषता अने 15ना अथवामां मित्रों बीजो 15मो प्रश्न आपेलो छे, राजा तरीके पृथु। त्यार पछी 16 नंबरनो प्रश्न, अद्योदतम गंधखंडम पठिला प्रश्नान उत्तराणमी संस्कृत भाषामां लिखंत। अहींया पण सरस मजानो एक फकरो आपेलो छे, फकरोने तमारे सरस रीते वांचवानो छे, अमने एना आधारे 5 प्रश्न पूछेला छे जेमना तमारे संस्कृत भाषानी अंदर जवाब लखवाना छे। ए कस्य चिंता गतापि आगता, बी न्यायाधीशस्य कः शब्दः लेखकस्य अन्तःकरणं कृतेन्त, सी लेखकः आनन्दस्य प्रसंगे किं अनुभवतः, डी पुस्तकमादाय कस्य समीपगस्तम अने ई पुस्तकम केदुतमाशितः। आ पांचे पांच प्रश्नोना ऊपर फकरामांथी तमारे योग्य जवाब गोती अने सरस रीते लखवाना छे। त्यार पछी 17 नंबरनो प्रश्न, पद्यस्य पृथिः विद्या काव्य पंक्तिने पूर्ण करवानी छे, बे गुणनो आ प्रश्न छे। एते शाह सर्व वृक्षाथी शुरू करी અને હત ઇન્દ્રયતઃ ત્યાં સુધી તમારે લખવાની છે। ત્યાર પછી આગળ જઈએ વિભાગ ડી, ચાર ગુણનો આ પ્રશ્ન છે, માતૃભાષાય ઉત્તરતઃ 18 નંબર, ભક્ત કોના કોનાથી અભયની પ્રાર્થના કરે છે, આપણે ગુજરાતીની અંદર જ આ પ્રશ્નોનો જવાબ લખવાના છે। ત્યાર પછી 19 નંબરનો પ્રશ્ન, ભીમસેનને માર્ગમાં રહેલ વાનર અભૂતપૂર્વ કેમ લાગે છે, એમનો જવાબ અહીંયા લખવાનો છે। 20મો પ્રશ્ન છે, અર્થવિસ્તાર છે, અંધે તૃણે રત્ને કાશને મોક્તિ કેડપીવા મનસા વિનવૃત્યા તદસ્તેન વિદુવૃદ્ધા, એમનો અર્થવિસ્તાર તમારે કરવાનું છે અહીંયા। ત્યાર પછી આપણે વાત કરીએ વિભાગ ઈ, સંક્ષેપ